मार्ट तहसील के पिपरौली गांव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रविन्द्र कुमार ने किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एसडीएम द्वारा गोद लिए गांव में समय समय पर सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पिपरौली गांव जल्द ही जिले में मॉडर्न गांव के रूप में जाना जाएगा। एसडीएम मार्ट सदानंद गुप्ता ने ग्राम पंचायत भीम के मजरा पिपरौली को गोद लिया है। बुधवार को गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गयी, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं को मुख्य रूप से सुना गया। एसडीएम मार्ट ने कहा कि गांव में गंदगी ना करें, जिससे लोग स्वस्थ रहेंगे। जनता की हर प्रकार की शिकायतों का, जैसे बिजली का, सप्लाई का, आंगनबाड़ी का और भूमि विवाद हुआ, अवैध कब्जे हुए, ये सारे निस्तारण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एसडीएम साहब द्वारा ये अवगत कराया गया, अगर इस गांव में एक स्वास्थ्य कैंप लग जाए तो यहाँ गरीबों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। इसी क्रम में मैंने और एसडीएम साहब ने पीआर हॉस्पिटल के डॉक्टर पीआर गुप्ता से बात किया और जैसे ही हम लोगों ने उन्हें प्रपोज किया कि आप एक स्वास्थ्य कैंप लगा दीजिए, तुरंत तैयार हुए वो और आज का डेट फिक्स था, टाइम से कैंप स्टार्ट हो गया। और मुझे लग रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं कि काफ़ी भारी मात्रा में लोग, जो गांव के गरीब लोग जो बेचारे मार्केट नहीं जा सकते, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आज उनका यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है और डायग्नोस करने के बाद उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ एसडीएम मार्ट के द्वारा जो ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है गांव को गोद लेकर के, उम्मीद करता हूँ ये गांव बहुत आगे बढ़ेगा। आयोजन किया गया जो हमारे मेरे अपने निजी प्रयासों और निजी संसाधनों के द्वारा किया गया है। कोई भी तहसील स्तर के यहाँ पर कोई भी चिकित्सा अधिकारी नहीं आए। पीके हॉस्पिटल जो कि जिले में एक बहुत नामी हॉस्पिटल है, वहाँ के अच्छे से अच्छे जो है चिकित्सा अधिकारी के रूप में लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पर फ्री कैंप लगाकर महिलाओं के लिए अलग और बाकी लोगों के बच्चों के लिए अलग और बाकी लोगों के लिए अलग जो है फ्री दवाओं का वितरण करने के साथ ही साथ उपचार करवाया जा रहा है यहाँ पर। सर, इस गांव को आपने गोद लिया है तो इसमें क्या क्या कार्य करवाएंगे? जी, मैंने इस गांव को गोद लिया है। इस गांव में मैं सारी वो मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रयास करूंगा, जिससे ग्रामीण विकास की संकल्पना को साकार किया जाता है। बिजली विभाग के एसडीओ राकेश कुमार सुमन ने ग्रामीणों को बेवजह बिजली का प्रयोग न करने की हिदायत दी और जल्द से जल्द जिनका बिल नहीं जमा हुआ है वह अपना बिल जमा करें। वहीं पीआर हॉस्पिटल की तरफ से स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया, जहां पर मरीजों की जांच कर निशुल्क दवा बांटी गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार जयप्रकाश, वाईएस कुशवाहा पशु चिकित्सा अधिकारी, खाद्य निरीक्षक राम स्नेही, विमला अग्रवाल, अशोक प्रधान आदि अधिकारी मौजूद रहे।